अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आजादी को भीख बताकर नए विवादों में आई फिल्मी कलाकार कंगना रनौत ने अब आग में घी डालने का काम किया है। ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए कंगना ने कहा है कि अगर कोई उन्हें यह बताए कि 1947 में क्या हुआ था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो वह अपना पद्मश्री सम्मान लौटा देंगे। और अंत में कंगना ने यह भी जोड़ दिया कि जो चोर हैं उनकी तो जलेगी, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। इस बीच देश के कई राज्यों के अलावा मेरठ में भी कंगना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। यह तहरीर अधिवक्ता राम कुमार शर्मा द्वारा सिविल लाइन थाने में दी गई है। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दरअसल हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने दावा किया था कि पूर्व में जो आज़ादी मिली थी वह भीख थी, जबकि वास्तविक आज़ादी तो 2014 में मिली है। भाजपा समर्थित कंगना का बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में कंगना को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस बयान को लेकर उन पर विपक्ष और भाजपा के ही कुछ लोग हमलावर हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि यह कंगना का पागलपन है या फिर देशद्रोह। इसका जवाब कंगना ने एक सोशल अकाउंट पर दिया है। इस बीच मेरठ में अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने सिविल लाइन थाने को दी गई तहरीर के बाद फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट हूँ, मेरठ में प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर के मामले भी रहा हूँ। और ये जो बड़ा धीर गंभीर ये मसला है, प्रदेश में रामराज है और रामराज की भूमिका हमारे मुख्यमंत्री जी निभा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अपराधी कितना ही प्रभावशाली हो, कितना ही दबंग हो, सबके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और उसको जो उसने अपराध किया उस अपराध के अनुसार उसको सजा मिलेगी। तो एक राष्ट्रीय अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। कंगना रनौत सिने अभिनेत्री है, उसने जो राष्ट्र को बदनाम करने की साजिश की है, व्यमस्था फैलाने की साजिश की है, वर्गभेद करने की साजिश की है। और हमारे जितने भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में और आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सबको अपमानित किया है। तो एक क्रांति की भूमि है मेरठ, तो मेरठ को बदनाम करने का प्रयास किया है। तो इस सीनियर अभिनेत्री के विरुद्ध मैं मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ और ये मुकदमा दर्ज करते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि उसको पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा दिया गया है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और इसके विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्रवाई तत्काल की जाए। ये पूरे देश की भावना है और मेरठ अग्रणी भूमिका में रहा है। तो मेरठ की एक क्रांति धरा अब क्रांति की बूंद यहाँ पर तक बच चुकी है। इसके विरुद्ध कह रही है कि कोई क्रांति कभी हुई ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर, और जो क्रांति हुई है, जो देश आज़ाद हुआ है, वह 1947 में अंग्रेजों की भीख में मिला ये आज़ादी है। तो जो महात्मा गांधी है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम 75वां वर्ष मना रहे हैं उसको, है ना, उनके भीख के कटोरे में रखकर उसको दिया गया। को किसी क्रांतिकारी को किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। ये वही महिला है, वही सीनियर अभिनेत्री, 16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गई थी, है ना, और अलग अलग लोगों के साथ में उसने जीवन यापन किया था। वो इस प्रकार के इतिहास को चित्रण कर रही है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? सरकार को नहीं पता था उस समय कि ये इस प्रकार की दुर्भावना अपने मन में लिए हुए है। अगर सरकार को पता होता तो नहीं करती। सरकार तो देश प्रेम से ओतप्रोत है ना, तो सरकार इस प्रकार के लोगों को थोड़ी ना बर्दाश्त। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।